हाय नमस्कार। सो आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही है नीट केस को लेकर, और शायद आज फाइनल हियरिंग हो के फैसला भी आज या कल में आ जाए। और काफ़ी हुड्डा जी जो स्टूडेंट्स की तरफ से आर्ग्यू कर रहे हैं, जो लोग रीनीट चाहते हैं और भी अपने काम के साथ साथ मैंने जिसे कहते हैं कि कान में लगा रखा था, तो वैसे तो 2 बजे दोबारा शुरू हो जाएगी, लेकिन जितना मेरे को समझ में आया और जितना मेरा इंटरप्रटेशन है, देखिए डेफिनेटली जो कि वकील साहब हैं हुड्डा जी, उन्होंने बहुत फैक्ट्स निकालने दिखाए कि सर हरियाणा में कोई सेंटर है जहाँ पर कोई SOP नहीं है कि पेपर जब 5:20 पे OMR शीट इकट्ठी हो गई तो वो सील कितने मिनट में हो जानी चाहिए। काफ़ी जगह प्राइवेट लोगों के हाथ में ये सारा सिस्टम है, एसेट्रा सेट्रा सेट्रा, और वो उसी चीज़ को बार बार, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ना पहले यही कहा था कि भाई सिस्टमेटिक फेलियर हैज़ टू बी प्रूवन, तो शायद वकील साहब उसी चीज़ पे लगे हुए थे कि मैं उन माध्यम से सिस्टमेटिक फेलियर प्रोड्यूस कर दूं। तो जो दूसरे जज साहब हैं CJI के अलावा जस्टिस आई थिंक पारदी वाला, उन्होंने बहुत अच्छा एक इंटरवीन करा, उन्होंने कहा कि देखिए क्योंकि हम ये पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो हमको ये सारी कमियाँ पता चली, जो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने शायद ये भी कहा कि ऐसी कमियाँ ही हम हिंदुस्तान के किसी भी काम की गहराई में जाएंगे तो हमको मिल जाएंगी, वो तो अब हम इतने सीनियर लॉयर्स और जजेस उस चीज़ को कुरेद रहे हैं तो हमें बहुत कमियां दिख रही हैं, और वो कमियां शायद हिंदुस्तान के हर कोने में हर चीज़ में है। तो हमारी वजह से, हमें इस केस की वजह से हमें पता चल रहा है कि देर इज़ नो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइम ऑफ OMR कलेक्शन एंड सील ऑफ द OMR शीट एक्सेट्रा सेट्रा सेट्रा। उन्होंने बोला स्कूल तो ऐसा है जहाँ बाउंड्री वॉल भी नहीं है, तो मतलब इट इज़ प्रोन कि वहाँ पर हमला हो सकता है और लोग ज़बरदस्ती OMR बदल सकते हैं, बच्चे ने ब्लैंक OMR छोड़ दी और फिर बाद में जाके जब बच्चे चले गए तो somebody can fill up that thing। तो वही जज साहब ने बोला कि भाई इन सब चीज़ों को छोड़ो और प्रोसेस पे आ जाओ कि पेपर लीक हमें दिखाइए कि वो लास्ट स्केल पे हुआ है। अब एक लड़की का बराबर एग्जाम्पल आता है जो गुजरात से बेलागवी देने गई थी, उस दिन 700 नंबर आ गए और वैसे 12th में फेल हो गई, पता नहीं वो बिटिया कौन है, लेकिन फिर से जज साहब ने कहा कि आप बाबा कह रहे हो कि पेपर लास्ट स्केल पे लीक हुआ है तो क्या वो सेंटर में कुछ चमत्कारी रिजल्ट आए हैं? नहीं। सीकर को लेके बहुत कहा गया कि सीकर में बहुत अच्छा रिजल्ट हैं, ओवरऑल अच्छे रिजल्ट हैं, तो फिर तुषार मेहता ने एक अच्छा मतलब एक आर्ग्यूमेंट दिया कि 2022-23 और 24 के मुकाबले तो बल्कि सीकर की परफॉर्मेंस भी डाउन हो गई है। अगर आप परसेंटेज में देखो कि 2022 में जो सक्सेस थी या 2023 में थी, एंड अगेन देखिए यहाँ पर मैं अपना इंटरवेंशन दे देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो दो लोग वकील वहाँ पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उनको भी शायद इतनी गहराइयाँ नहीं पता कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, और मैं तो मतलब एक ये लाइन है मेरी तरफ से जो शायद मैंने कहा ना दोनों पक्ष के लोगों को, वकीलों तक और जज तक तो शायद मेरा वीडियो नहीं पहुंचेगा, एक आराम देगी कि देखिए परफॉर्मेंस हर जगह सेम नहीं है क्योंकि बच्चे सेम नहीं है, राइट, तैयारी सेम नहीं है। तो जब हम कोचिंग हब की भी बात करते हैं, कहने को लखनऊ भी कोचिंग हब है, सीकर भी कोचिंग हब है, कोटा भी कोचिंग हब है, और इंडिया में 50 होंगे, लेकिन सीकर खासकर, और क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ तो एटलीस्ट मैं सीकर के बारे में कह सकता हूँ फ्रॉम अ नॉर्थ इंडियन परस्पेक्टिव, और सिमिलरली शायद आप में से कोई ईस्ट इंडिया या वेस्ट इंडिया या साउथ इंडिया का फीडबैक दे सकें कि सीकर इस समय, और मैं फिर से कहता हूँ कि ऐसा नहीं सीकर के पानी में ऐसा है कि आपका एवरेज बच्चा 60% लाने वाला एम्स पहुँच जाएगा, ये चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि कोचिंग सेंटर तो खाली पढ़ाते हैं, मेहनत तो बच्चे की होती है, बट सीकर में जो सब माहौल चल रहा है, और सीकर ने कोटा को पीछे छोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग गुड स्टूडेंट्स। जैसे मेरे पास एक लास्ट ईयर क्लाइंट थी सिर्फ सरकारी सीट के लिए और उनको एडमिशन नहीं मिल पाया क्योंकि मार्क्स कम ही थे, एंड जो हमारी उनके साथ शायद डील थी उसके बाद हम आगे बढ़े, इस साल तो बच्ची ने सीकर पढ़ने गई और मैं बच्ची के फादर को जानता हूँ जो मुझसे मिलने आते थे, एक टूटी फूटी बाइक पे मंथली इनकम 20,000 रुपये। तो मैंने एक्चुअली पूछा कि मैंने कहा सर बटिया को सीकर आपने कैसे भेज दिया, तो उन्होंने बोला भाई वो पढ़ाई वढ़ाई सब फ्री करेंगे। मैंने कहा जी फ्री तो ठीक है लेकिन रहने खाने का भी तो खर्चा होगा 10,000 रुपये महीना कम से कम, 20,000 तो आपकी तनख्वाह है। कहते हैं नहीं सर उस कोचिंग सेंटर वाले ना खाना पीना भी फ्री खिला रहा है। तो सीकर ने ऐसा मॉडल बना दिया है, सीकर में कुछ कोचिंग सेंटर्स ने, कि वो ब्राइट बच्चों को जो कि, और ये बच्चे तो ड्रॉप थी,
लास्ट ईयर भी लेट मी पुट इट ऑनेस्टली ऑल्सो ओबीसी कैटेगरी की तो थोड़े से 605-6 के नंबर थे लास्ट ईयर, तो रह गई थी क्योंकि उसका डोमिसाइल थोड़ा टफ था, या मैं सॉरी 595 थे तो जरा से मार्क्स से रह गई थी ना, तो कोचिंग सेंटर को मालूम है कि ये बच्चा तो ऑलरेडी 595 में पहुँचा हुआ है, बात करके ही पता चल जाता है कि बड़ा सॉलिड बच्चा है, तो सिर्फ पढ़ाई नहीं रहना खाना भी फ्री दिया गया था। तो अगर सीकर के एज ए सिटी में रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कोटा में अच्छा आता है दूसरों के मुकाबले, तो उसका कारण ये है कि बहुत सारे ब्राइट सुपर ब्राइट टैलेंटेड बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं, तो ये दोनों को समझना चाहिए पक्षों को। और मैं कहना कि उन वकीलों को इतनी ये गहराई बातें नहीं पता हैं क्योंकि वो तो परसेंटेज में देख रहे हैं कि सीकर का रिजल्ट इतना अच्छा क्यों है, बाकी का इतना ख़राब क्यों है। तो हमें पता होना चाहिए कि सीकर के पास ब्राइटेस्ट ऑफ दी बच्चे आते हैं और उनके ऊपर, और वो बच्चे इसलिए आते हैं कि उनको फ्री एजुकेशन वगैरह का लालच दिया जाता है, तो इसीलिए परसेंटेज में सीकर का रिजल्ट इस समय एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया किसी भी शहर से अच्छा होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ क्योंकि लोग हैं हमारे, जानकार हैं हमारे, और सीकर के काफ़ी कोचिंग सेंटर्स जैसे कोटा से कम्पीट कर रहे हैं तो उन्होंने नया मॉडल निकाला। बाकी मैंने ये भी सुना कि सीकर में ये मॉडल है कि वहाँ के जो कोचिंग सेंटर हैं वो बच्चे को अपने पास ही ठहराते हैं, तो काइंड ऑफ बच्चा 24 घंटे पढ़ता है और वो जो एकोमोडेशन है वो पार्ट ऑफ कोचिंग सेंटर है। फिर से आप ऐसे कोई भी जो वीडियो को सुन रहे हैं वो लिखिए जो सीकर में पढ़ के आए हैं, तो ये कोटा से या बाकी जगहों से फ़र्क है। तो कोटा में तो अचीवर बैच को छोड़िए जहाँ पर वो अपने अंदर रखते हैं वो तो 500 बच्चे होते हैं, बट एज ए पॉलिसी आई थिंक सीकर में ऐसा हो रहा है कि कोचिंग सेंटर्स के अंदर ही बच्चों को एकोमोडेशन दी जा रही है कि 2 फ्लोर पे एकोमोडेशन या 4 फ्लोर पे एकोमोडेशन और 1 फ्लोर पे कोचिंग, तो उसकी वजह से बच्चे पे और बच्चे की जान खाई जा रही है, बच्चे पे और फोकस किया जा रहा है और उसका नतीजा बेटर रिजल्ट में आ रहा है। तो ये सब फैक्टर भी हैं जो सीकर के रिजल्ट को अच्छा बताते हैं बाकियों के मुकाबले। सिर्फ आप सबकी जानकारी के लिए मैं चीज़ बोल रहा हूँ, बाकी तो उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि लड़की वाला मुद्दा बहुत बार बार उठाया गया, ये मुद्दा उठाया गया बार बार कि ये कमी है वो कमी है, ओएमआर शीट की फाइल को सील करने का कोई एसओपी नहीं है, बट आखिरी में जो समझ में आ रहा है वो वही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये लैक है वो लैक है, और लेकिन अब फिलहाल मुद्दा हो रहा है कि 2024 का पेपर लीक क्या लास्ट स्केल पे हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में तथ्य दीजिए। तो फिर से जहाँ तक लंच तक का मैंने सुना और अब एक समरी में पढ़ रहा था जो कि इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स पे खाली लिखा हुआ था ना किसी ने क्या बोला, और आखिरी 15-20 मिनट मैंने सुना भी, तो फिलहाल जिस डायरेक्शन में जा रही है हियरिंग, माई इंटरप्रटेशन ऑफ हियरिंग टूडे इज़ कि पेपर दोबारा नहीं होगा। तो जिनको ड्रॉप करना है प्लीज़ वो तैयारी करते रहिए, और जो काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं वो अपने कागज़ वगैरह इकट्ठे कर लीजिए। आखिरी की 2 लाइनों में ये कह सकता हूँ, ओके, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी आई एम श्योर कि मैंने आपको कल भी बताया कि पता नहीं मैं आपके लिए कितने वीडियोस फिर ला पाऊँगा, कोशिश करूँगा बीच बीच में लाने की, कोशिश करूँगा आपको के कॉमेंट्स को आंसर करने की, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू फिनिशिंग अवर कोटा ऑफ 100 स्टूडेंट्स और हम बहुत सारी काउंसलिंग करते हैं, तो ये 100 बच्चे हैं, ये MBBS प्लस BDS प्लस MBBS अब्रॉड प्लस जो हम कुछ इंडिया की काउंसलिंग भी करते हैं BTech वगैरह की फॉर जोसेन DUSAC सबको मिला के लेते हैं, तो उसके हम बहुत निकट हैं और शायद और 3-4 दिन में या जो हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं जो सिर्फ इसका वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए ताकि वो हमारी फुल फी पे भेज सकें। तो अगर आज 22 जुलाई है तो आई थिंक आवर डोर्स टू सर्व यू विल बी ओवर बाय मंथ एंड मैक्सिमम, तो आप में से जो भी हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ना चाहता है यू शुड इमीजिएटली कॉल ऑन 9643362320, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ में हमारी कुछ पॉलिसीज़ भी हैं वो भी देख लीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, और देखते हैं शाम तक क्या होता है, बढ़िया आपके लिए समरी है 2 बजे तक, बाय बाय।